लेस देन 50 डेज टू पेरिस ओलंपिक्स जी, मेरा भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं, अंदर में क्या सोच रहे हैं? प्रेशर है, टेंशन है। लास्ट मैंने सबसे पहला दिन ही सिल्वर मेडल दिया था लास्ट टोक्यो ओलंपिक में, तो उसी का भी प्रेशर है कि इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि मेरा जो 49 की कंटिजेंट है वो थोड़ा टफ रहेगी इस बार, फिर इसी के बारे में नहीं, पर हाँ हर टाइम ऐसे सोचते कि क्या होने वाला है, कैसा होगी और सब। इंजरी से भी वापस आई हूँ, पर मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूँगी इंडिया के लिए फिर से एक और मेडल देने के लिए। ओलंपिक्स में जी फर्स्ट वेस्ट लिफ्टर होगी जो जिसने दो ओलंपिक मेडल जीता है, दूसरी और लड़की होगी और वुमेन होगी जो ओलंपिक्स में दो मेडल। ऐसा ख्याल कभी आया है कि मैं इतना एक छोटा एक मेडल से दूर? हाँ, बहुत खुशी होती हूँ ऐसा हुआ तो पर मैं पूरा कोशिश करूँगी। हाँ, वेट लिफ्टर में बहुत टफ है कि दो बार मेडल जीतना, वर्ल्ड की लेवल तक पहुँचना, ओलंपिक की लेवल तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात होती है और मुश्किल भी होते हैं। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है वेट लिफ्टर्स के लिए, तो मैं बहुत खुशी रहूँगी और सबके शुक्र गुजार रहूँगी कि बहुत सारी प्यार मिली है मुझे, पूरा भारतवर्षी ने इतना प्यार दिया है। लास्ट टोक्यो ओलंपिक के टाइम में भी काफ़ी मुझे मतलब उन सब की प्रे की वजह से मैंने मेडल जीते हैं, तो फिर इस बार भी है भगवान क्या चाह रही है वो तो पता नहीं, उसी दिन पता चलेगा, पर पूरा कोशिश करूँगी फिर से दोबारा मेडल देने के लिए। तो ऐसे ही दिया तो मेरा बस ऐसे लगे कि मुझे मैं जब जन्म हुआ है इसका पूरा मतलब फल मिल गया है सबके, मेरा जो सपना रहेगा फैमिली का सपना वो सब बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बहुत मतलब कम होते कि वेलिफ्टर में दोबारा मेडल मिलना, बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं मिल पाते, बहुत मेहनत करने की बात भी फेल हो जाते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी जो नहीं मिलती जो मिल गया तो कितना अच्छा होगे। वेटलिफ्टिंग जो है सिर्फ लोहा उठाने का काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन। जी 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 जी, वो हमें बताइए कि पेरिस सामने ही है, इट्स नॉट अबाउट ओनली वेटलिफ्टिंग, लोहा और किलोस, और क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं? हाँ, बहुत मुश्किल है कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग सिर्फ ट्रेनिंग में जो क्लास गेन करे स्नेस के लिए नहीं रखते, ये नहीं हो सकती। इसको उठाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारी हमको मेहनत करना पड़ता है, जिम करना पड़ता है, अलग अलग पार्ट का जो हमको जो हमने हर चीज़ हम पूरा बॉडी पार्ट जो है ऊपर से नीचे तक यूज़ करते हैं, तो इसी के लिए हमको कहाँ कौन सा मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसा हो गया बैक, हो गया बैक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी, नी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये शोल्डर पार्ट बहुत होते हैं कि हम जब होल्डिंग होल्ड करना है इतना केजी को 100 के ऊपर 200 के ऊपर हम होल्ड करना है, तो इसके लिए हमको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, मसल चाहिए, तो इसके लिए छोटे 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 मसल के लिए हमको टेक्निक करना पड़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकते, ये हमारे लिए बहुत ही वो है कि हम एक दिन ट्रेनिंग छोड़ने से हम एक हफ्ता लगता है रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी का जो मसल है इसको आने के लिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, इंड्योरेंस नहीं हो तो हम वेट नहीं उठा सकते, तो वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रेनिंग नहीं छूट सकती एक तो, फिर हमको स्ट्रेंथ और जो मसल के है अलग अलग मसल पार्ट के मसल है उसको हम कहीं मतलब जाने नहीं देते, इसको फिक्स करके रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, जो भी ऑफ सीजन हो या कॉम्पिटिशन की टाइम है वो सब, तो वेट लिफ्टिंग बहुत टफ है कि ट्रेनिंग भी नहीं छोड़ सकती, आराम को बहुत मेहनत करना पड़ते हैं कि मैं 85 स्नेस करने के लिए नीचे से हमको
100 बार 50 केजी में हमको 100 बार उठाना पड़ता है। 2024 में आपने सिर्फ 8 चैंपियनशिप की वर्ल्ड कप जिसमें आपने 12th फिनिश किया और आपके पर्सनल बेस्ट जो वेट्स जो आपने उठाया तो आपको लगता है क्या कि मन में कि जैसे आपने कहा कि फिर इंजर्ड तो ना हो जाओ मन में एक आशंका रहती है, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ओलंपिक्स नजदीक है जी। 2024 में आपका सेकंड टूर्नामेंट होगी, इतना बड़ा टूर्नामेंट जी, आप कैसे सोच रहे हैं कि कहीं मन में आशंका होती है कि हाउ डू आई इंजरी फ्री। हाँ हाँ, इंजरी के बाद पहला कॉम्पिटिशन थी वर्ल्ड कप, तो इसी में हाँ काफ़ी मुझे डर भी लगी कि ये कॉम्पिटिशन के बाद फिर से इंजरी वापस आया तो क्या हुआ, थोड़ा सा डाउट तो रहते हैं बॉडी में कि फिर से हुआ तो मेरा आप ही आने वाले पेरिस ओलंपिक में क्या होगा, वो सब आते हैं। फिर भी मैं सर से ज़्यादा तस में रहती हूँ कि हम क्या क्या करना है, जो इंजरी हुआ था कैसे ठीक हो गया, हमने क्या क्या किया था और भी इसके साथ हमने क्या क्या करना है, जो इंजरी हुआ है इसके साथ हमको कैसे उसको मेंटेन करके रखना है, हमको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या और ट्रेनिंग करना है, वो सब। तो हाँ आते तो है कि फिर वापस आ गया तो मैं क्या करूँगी वो सब, पर फिर मैं रिलैक्स रहती हूँ कि कोई बात नहीं, ये प्लेयर के साथ होते हैं कि उसको मैं फाइट करना पड़ेगा, कहीं पर भी रहो कहीं पर भी जाओ जो पेन आएगा वो हमको फाइट करना पड़ेगा मैं खुद को। तो ऐसे ही मैं कब सोचती हूँ कि दिमाग में भी रखती हूँ कि कोई बात नहीं, इसको फेस करना ही है मुझे, उनकी आने वाला है पेरिस ओलंपिक, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी जो मेरा मेहनत है उसमें पता चलेगा क्या क्या होने वाले क्या होगी। तो मैं ये सबके साथ होते हैं शायद, प्लेयर्स हर ही प्लेयर के साथ ना इंजुरी तो कब आएगी पता नहीं चलते, हमको बोल नहीं सकते, तो डाउट तो रहते हैं कि हम फिर से आए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर इसी को हम ना आने के लिए हम मेहनत करते हैं कि एक्सरसाइज में जो हम कर सकते हैं वो करके मैं है इसको पकड़ के रखती हूँ। टोक्यो के इतना अपना एक्सपीरियंस है, इस पेरिस में आपने आइडेंटिफाई किया कि ये कोरियन ये चाइनीज, कोरियन तो वैसे है नहीं, ये रोमानियन, ये हमारा मेन ओपनर, आपने किसी को आइडेंटिफाई किया? हाँ अभी हमारे लिए 49 में चाइना है, चाइना ऊपर है, चाइना थाईलैंड हाँ यूएसए, मैं इतना मतलब देखा तो नहीं है, जो होगा देखा जाएगा उसी दिन ही पता चलेगा कौन क्या करे क्या नहीं करे, ये मुझे पता नहीं, बस मुझे यही पता है कि मुझे जाके बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बाकी उधर हो जाएगा सब, तो मैं इतना नहीं सोचती। इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में आप क्या चेंजेस देखा और साई का रोल कैसा रहा? मैं बोलूँ तो कम रहेगा, मैं 2012 से मैं इधर ही हूँ, सबसे पहला केम 2012 से मैं इधर ही, मतलब आज पूरा कंटिन्यू में रही हूँ इधर आज तक 12 से 24 तक, तो काफ़ी 3-4 साल से हमने काफ़ी चेंजेस मिला है, काफ़ी नहीं पूरा ही चेंज देखा है, क्योंकि खाने से लेके ट्रेनिंग सेंटर और रिकवरी सेंटर और ग्राउंड स्टाफ सब कुछ काफ़ी चेंज मिला है। फूड में पहले इतना क्वालिटी अच्छा नहीं थी, अभी जो भी हम चाहते हैं मतलब जो भी मतलब हमको कोई भी बोल जाना है, बोल खाना है या कोई भी मीट खाना है वो सब मिल रहा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, ग्राउंड मैन बहुत अच्छा है, जिम सेंटर आपने देखा होगा हमारी ये पहले कैसा था वेट लिफ्टिंग सेंटर, अभी देखो इंटरनेशनल में ऐसा कोई वो नहीं है, हम बाहर जाके ट्रेनिंग तो करते हूँ पर ऐसा वाला हॉल हम कभी नहीं मिले आज तक, तो सिर्फ हम जाते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है इम्पोर्टेंट जो था फिजो का वो इसी के लिए हम बाहर जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं जाने वाले बाहर। इस बार भी मैंने मना किया है कि मैं इधर ही ट्रेनिंग करूँगी कि हमारी हॉल सबसे बेस्ट है, वेट लिफ्टिंग सेंटर सब कुछ है इधर, टेक्नो जिम है, जो भी हम करना चाहते थे पहले हम जब इधर वेट लिफ्टिंग किया ट्रेनिंग
हो गया, ट्रेनिंग करने के बाद हमको दूर जाके उधर टेक में जिम है उधर जाके हमको ट्रेनिंग करना पड़ते थे, जिम करना पड़ते थे इतना दूर जाके, पर अभी मेरे पास है, हम कभी भी कर सकते हैं। तो वो सब जो प्लेयर के साथ जो भी चाहते हैं वो सब मिल रहे हैं ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम कभी भी कर सकते हैं कहीं पर, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला है, बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सारे गवर्नमेंट टॉप सब ने हर प्लेयर्स के लिए जो कमी देख के हम लोगों ने सब एनआईएस पटियाला सच में पहले जो पहला जो आते हैं ना एनआईएस में वो लोग पता नहीं चलेगा कैसा था, हमको पता है, मुझे पता है कि मैंने 2012 से इधर रही हूँ तो कितना चेंज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। थैंक यू सो मच प्लेयर्स के लिए, इतना काम किया है, यही तो चाहिए हमको, ऐसे ही करते रहेंगे तो श्योर इंडिया में और भी ज़्यादा प्लेयर्स आएगी और ना इंडिया के नाम को और भी ऊपर करेगी।